मैं प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा पुष्पिता झा। आज मुझे सुबह कॉल आया था अपने एएसओ साहब से, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर से, कि मैडम यहाँ पे चोरी हो गया है ऑफिस में, ताला गेट को किसी ने बाहर से लात मार के उसके अंदर घुस के उसमें कुछ बंडल्स हैं जो खारिज कर दिए गए, तरमीम है उसके कुछ बंडल से, वो गायब है, वो नहीं मिल गया। दरभंगा के सर्वे ऑफिस में चोरों ने किया जमीन के दस्तावेज चोरी। दरभंगा शहर के कामेश्वर भवन में स्थित सर्वे कार्यालय से जमीन के दस्तावेज को चोरों ने चोरी कर लिया। इधर मौके पर ही नगर थाना की पुलिस आकर मामले की छानबीन कर रही है। इधर बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी पुष्पिता झा ने मीडिया से कहा कि जैसे इस बात की उसे सूचना मिली, वह आनन फानन में नगर थाना पुलिस को इस बात से अवगत करवाई। उन्होंने यह भी कहा है कि यहां सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यह घटना घटी है। मैं प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा पुष्पिता झा। आज मुझे सुबह कॉल आया था अपने एएसओ साहब से, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर से, कि मैडम यहाँ पे चोरी हो गया है ऑफिस में, ताला गेट को किसी ने बाहर से लात मार के उसके अंदर घुस के उसमें कुछ बंडल्स हैं जो खारिज कर दिए गए, तरमीम है उसके कुछ बंडल्स हैं, वो गायब है, वो नहीं मिल गया। जहाँ पे था 3-4 रैक आपका गायब था, तो मैं फिर सुन के कलेक्ट्रेट से भागे भागे यहाँ पे आई ऑफिस में, आके खुद से स्पॉट पे गई, देखी वहाँ पे सच में अभिलेख गायब है। अब मैंने फिर डीएम सर को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस को खुद टाउन थाना गई थी, वहाँ पे एसएचओ साहब से मिलके उनके विरुद्ध उनको कहा कि मैं एफआईआर लिखाना चाहती हूँ और थोड़ा सा उनके स्तर से भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो वो लोग पूरा टीम यहाँ पे आए थे, वो भी अपना स्पॉट पे गए, आसपास देखा। यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, चारों ओर से खुला हुआ है। तो इसी मामले में अब हम लोग एक एफआईआर के लिए लेटर बढ़वा रहे हैं, ताकि इस मामले में एफआईआर हो और हम अपने तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या था वहाँ पे, कौन सा अभिलेख था, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करवा के उनको एफआईआर के लिए भेज रहे हैं। मैडम, यहाँ देखा जाए जो कैंपस सर्वे ऑफिस या कैंपस है, यहाँ पर बहुत सारे गुमती अनलीगल रूप से है और यहाँ पेपर भी अनलीगल रूप से बनाया जाता है, नकली पेपर, जाली पेपर बनता है, पब्लिक को ठगा जाता है, शोषण किया जाता है, इसमें स्टाफ की भी मिली भगत रहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस विषय पर मैं क्या कह सकती हूँ, इस विषय को जब मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे देखी थी कि बाहरी लोगों की उपस्थिति रहती है, तो मैंने सबसे ये सबके पास मैसेज भिजवा दिया कि यहाँ पे बाहरी लोग नहीं आ सकते, जिसको यहाँ पे ज़रूरत है, जो लीगल है, वो जिस तरह से पर्ची का एक सिस्टम है कि अपना पर्ची देंगे, और वो भी ऑफिस के अंदर मुझे भी सुनने में आया था कि यहाँ पे इलीगल लोगों की एंट्री होती है, तो मैंने उन लोगों को बुला के एक दिन सबको कहा कि कोई यहाँ पे इलीगली अंदर नहीं आएगा, जो यहाँ जिनके पास लाइसेंस है सिर्फ वो, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी जो लाइसेंसी है वो यहाँ पे आएंगे। एक सर्टेन डेस्क हम लोग बना रहे हैं, वहाँ से आप अपना पर्ची दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा। तो ये हमने अपने तरह से एक व्यवस्था की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, सिक्योरिटी के लिए भी हमने लेटर बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एक नाइट गार्ड था जो कि 4 महीने से नहीं आ रहा है, उस पर बहुत बार चौकस दिया गया है, तो ये सब हमने अपने स्तर से किया है, सिक्योरिटी की मांग की गई है। अब ऐसी घटना होने के बाद आज मैं एक लेटर बनवा रही हूँ जिसमें सीसीटीवी के लिए जो जहाँ जहाँ से पब्लिक, जहाँ जहाँ से लोग आ सकते हैं, कम से कम 8-10 सीसीटीवी और रिकॉर्ड रूम के बाहर, एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस के बाहर, और जहाँ पीछे वाला जो जगह है जहाँ से गेट, जहाँ गेट टूटा हुआ था, उस सब जगह पे सीसीटीवी लगाने की हमने आज एक हम लेटर बनवा रहे हैं।